आज का हमारा टॉपिक है वर्चुअल मेमोरी। तो हम देखेंगे कि वर्चुअल मेमोरी से हमारे पास क्या मुराद है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो पिछले जो हमारे लेक्चर्स हैं उनसे भी आपको कुछ ना कुछ आइडिया होगा कि वर्चुअल मेमोरी हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाने के लिए आपको बताता चलूँ कि हमारे पास आमतौर पर क्या होता है कि हम कोई ऐसे प्रोग्राम लिखते हैं कि जिसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो शायद कभी कभार ही हम यूज करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे पास हर जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें एक हेल्प का मॉड्यूल होता है, लेकिन वो हेल्प का मॉड्यूल जो है वो कभी कभार ही हम इस्तेमाल करते हैं जब हम F1 की दबाते हैं। इसी तरह से हमारे पास कोई प्रोग्राम होता है जिसमें हमने कोई एरर हैंडलिंग का कोड लिखा होता है, लेकिन वो एरर हैंडलिंग का कोड कभी कभार ही हमारे पास रन होता है जब कभी हमारे पास प्रोग्राम में कोई एरर आ जाए। ठीक है, इसी तरह से तीसरी मिसाल अगर मैं आपको दूं तो हमारे पास बिलफर्ज कोई एरे हमने बनाया हुआ है जिसकी लेंथ हमारे पास 10 है, लेकिन हमने क्या किया उसमें सिर्फ 10, जिसकी लेंथ हमारे पास 100 है। ठीक है, लेकिन हमने उसमें आइटम कितने रखे हुए हैं, जस्ट 10 आइटम रखे हुए हैं। ठीक है, बाकी 90 जो आपके पास लोकेशन है वो खाली पड़ी हुई है। तो अब इस तरह की जो मिसालें हैं कि जहाँ पे हमारा कोड जो वो सारे का सारा इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो ऐसी जगहों पे हम क्या करते हैं, अपना जो पूरे का पूरा जो प्रोग्राम है या प्रोसेस है उसको अपनी मेन मेमोरी में लोड नहीं करते। ठीक है, बल्कि हम क्या करते हैं, हम अपने जो प्रोग्राम का कोड हमने इस्तेमाल हमारे आना है सिर्फ वही वाला पार्ट जो है वो हम क्या करते हैं उसे अपनी मेमोरी के अंदर रखवाते हैं और बाकी जो है उसको अपनी मेमोरी में लोड नहीं करते। ठीक है, तो बाकी का जो हमारा प्रोग्राम है सारे के सारा वो कहाँ पे पड़ा होता है, वो हमारी डिस्क पर या आप कह लें कि हार्ड डिस्क का जो हमारा स्वैप स्पेस हमने जिसे बोला था या बैकिंग स्टोरेज जिसे हमने बोला था, तो बाकी का पार्ट जो है वो हमारा वहां पे पड़ा होता है। ठीक है, तो मैं दोबारा से बताता चलूँ कि हमारे पास बाज़ूकात क्या होता है, बल्कि अक्सर हमारे पास क्या है कि हम क्या करते हैं कि अपने प्रोग्राम का जो पार्ट जो है वो प्रोसेस का एग्जीक्यूट होना है सिर्फ उतना पार्ट जो मेन मेमोरी में लोड किया जाता है और बाकी जो है वो हमारे पास कहाँ पे पड़ा रहता है, हमारी हार्ड डिस्क में पड़ा रहता है। ठीक है, तो ऐसा करने का हमारे पास क्या फायदा हुआ, ऐसा करने का हमारे पास दो तीन जो है वो हमारे पास फायदे हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें जो पहला फायदा है वो ये है कि हमारे पास आजकल आप जानते हैं कि हमारे पास प्रोसेसेस या प्रोग्राम जो है वो बड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, जबकि हमारे पास मेन मेमोरी जो है वो छोटी है। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको मिसाल दूं, जैसे कि हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर है जिसका साइज जो है वो आपके पास 8 GB या 10 GB है, जबकि हमारे पास रैम जो है वो जस्ट 4 GB की है। तो अब इतने बड़े बड़े प्रोग्राम जो है वो अगर हम सारे के सारे उनको मेन मेमोरी में डालना चाहें तो वो हम नहीं डाल सकते, क्योंकि मेन मेमोरी हमारी छोटी है और प्रोसेस हमारे क्या है, बड़े हैं। ठीक है, तो इस सूरत में हम क्या करते हैं, इस सूरत में हम अपना जो जैसे मैंने पहले टेक्निक आपको बताई कि जो पार्ट हमारा इस्तेमाल होना है सिर्फ उसी को हम क्या करेंगे अपने यहाँ पे डाल लेंगे, अपने मेन मेमोरी के अंदर डाल लेंगे। तो हमारे पास पहला जो फायदा है कि सिर्फ वही पार्ट डालें हम अपनी मेन मेमोरी में जिसको हमने इस्तेमाल करना है, तो इसका बड़ा पहला जो फायदा वो ये है हमारे पास कि हम क्या कर सकते हैं कि एक्सट्रीमली लार्ज जो है वो हमारे पास प्रोग्राम जो है उनको हम क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं, वर्चुअल एड्रेस स्पेस जो है हमारी क्या हो जाती है, काफी बड़ी हो जाती है। हमारे पास मेन मेमोरी में क्या होते हैं, छोटे छोटे हम पार्ट्स जो है वो लोड कर लेते हैं प्रोग्राम के, और बाकी जो है वो हमारा कहाँ पे पड़ा रहता है, हमारी हार्ड डिस्क के अंदर पड़ा रहता है। ठीक है, क्योंकि हम हार्ड डिस्क को भी एज अ मेमोरी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस तरह से हमारी मेमोरी जो एक तरह से बढ़ जाती है, या हम कहते हैं कि हमारी रैम का साइज जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन वो एक्चुअली हमारी रैम तो नहीं है, वो तो है हमारी हार्ड डिस्क, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से सिस्टम को इल्यूजन दे रहे हैं, एक तरह से सिस्टम को ये लग रहा है कि इसके पास जो है मेमोरी ज्यादा हो गई है, जबकि एक्चुअली हमारे पास ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो चूंकि हमने अपनी हार्ड डिस्क जो है उसको एज अ पार्ट ऑफ मेमोरी इस्तेमाल करने की कोशिश की है, तो इसे हमारे पास जो है वो हम क्या कर सकते हैं, हमारी वर्चुअल एड्रेस स्पेस जो है वो ज्यादा हो गई है। अब हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा प्रोसेसेस जो है वो उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये तो हमारा था पहला फायदा। ठीक है, कि हम क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम जो है उनको लोड कर सकते हैं। और दूसरा ये है हमारे पास के हमारे पास बिकॉज ईच यूजर प्रोग्राम कुड टेक लेस फिजिकल मेमोरी, मोर प्रोग्राम्स कुड बी रन। तो अब हमारे पास क्या है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग भी ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो हमारे जो है वर्चुअल एड्रेस स्पेस हमारी ज्यादा हुई है, और हमने क्या कर लेना है, अब हमारा जो प्रोग्राम है उसका बड़ा हिस्सा जो है वो कहाँ पे पड़ा रहेगा, वो हमारा हार्ड डिस्क पर पड़ा रहेगा। सिर्फ छोटे छोटे हिस्से जो हैं हर प्रोग्राम के जो कि इस वक्त एग्जीक्यूट होने हैं
वही हमारे पास कहाँ पे पड़े होंगे, हमारी मेन मेमोरी में पड़े होंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा प्रोग्राम्स हैं उनको अपनी मेन मेमोरी में ला सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो ज्यादा हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि हमारे पास ज्यादा प्रोग्राम जो है वो क्या हो सकते हैं, रन हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास वर्चुअल मेमोरी जो है वो कंसेप्ट की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है जी, हमारे पास जैसे कि आपको इस वाली जो है नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ये मैंने दो इमेजेस यहाँ पे डाली हुई हैं। तो हमारे पास क्या है, ये हमारा है वर्चुअल एड्रेसेस, ठीक है, जो कि हमारा प्रोसेस जो है वो जनरेट करता है, या जिन्हें हम लॉजिकल एड्रेस भी कह देते हैं। अब ये हमारी क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज या हमारी हार्ड डिस्क है, और ये हमारी फिजिकल मेमोरी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास कुछ पेजेस जो हैं, हमने क्या करना है, यहाँ पे पेजिंग का कंसेप्ट इस्तेमाल करना है, या पेजिंग का कंसेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, सेगमेंटेशन को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे पेजिंग का कंसेप्ट इस्तेमाल करना है, और कुछ पेजेस जो हैं वो हमने क्या करने हैं, अपनी मेमोरी के अंदर लोड कर देने हैं, और बाकी के पेजेस जो हैं वो हमने क्या करने हैं, अपनी सेकेंडरी स्टोरेज या हार्ड डिस्क पर रखवा देने हैं। ठीक है, तो अब ये जो हार्ड डिस्क को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम अपने प्रोसेस के पेजेस रखवा रहे हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट जो है इसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी हार्ड डिस्क का कुछ हिस्सा जो है एज अ रैम के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही कॉन्सेप्ट जो है ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, अब वर्चुअल मेमोरी में यहाँ पे देखें, अगर इस वाली इमेज में आप देखें, तो ये क्या है, आपका प्रोसेस है, और ये आपकी क्या है, वर्चुअल मेमोरी, और ये आपकी क्या है, हार्ड डिस्क है। ठीक है, वही वाली चीजें हैं। तो इसमें हमारे पास एक कंपोनेंट जो है एक इस्तेमाल होता है, जिसे बोलते हैं मेमोरी मैप। मेमोरी मैप जो है वो मैपिंग करवाता है कि हमारा जो प्रोसेस है उसका कौन सा पार्ट जो है वो हमारी हार्ड डिस्क के सॉरी रैम के फ्रेम्स में पड़ा हुआ है, और कौन सा जो पेजेस हैं हमारे वो यहाँ पे हार्ड डिस्क पर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है वो हमें कहाँ पे मिलता है, मेमोरी मैपिंग वाला जो टूल है हमारे पास वो क्या करवा रहा होता है, ये सारी मैपिंग जो है हमारे पास करवा रहा होता है। तो वर्चुअल मेमोरी जो है उसको अगर हमने इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए हमारे पास जो कंसेप्ट इस्तेमाल होता है असल में, उसे बोला जाता है डिमांड पेजिंग। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डिमांड पेजिंग की मदद से जो है वो हम क्या करते हैं, वर्चुअल मेमोरी का जो कंसेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो कहते हैं कि वर्चुअल मेमोरी इज अ सेपरेशन ऑफ यूजर लॉजिकल मेमोरी फ्रॉम फिजिकल मेमोरी। तो हमारे पास जो यूजर की लॉजिकल मेमोरी है, जो हमारे पास एड्रेस स्पेसिस है, उसको हम एक तरह से अलग कर देते हैं किसे, फिजिकल मेमोरी से या अपनी रैम से। ठीक है, तो अब हमारे पास फिजिकल मेमोरी कम है, हमारी रैम कम है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे वर्चुअल एड्रेसेस जो है वो जनरेट कर सकते हैं, या एक से ज्यादा, दूसरे लफ्जों में मैं कह सकता हूँ कि अपने प्रोग्राम जो है वो हम रन कर सकते हैं। दिस सेपरेशन अलाउज एन एक्सट्रीमली लार्ज वर्चुअल मेमोरी टू बी प्रोवाइडेड फॉर प्रोग्रामर व्हेन ओनली अ स्मॉल फिजिकल मेमोरी इज अवेलेबल। जब हमारे पास थोड़ी सी मेमोरी जो है वो मौजूद है, लेकिन हमने क्या किया है, वर्चुअल मेमोरी को इस्तेमाल कर लिया है, अपनी सेकेंडरी मेमोरी जो है उसको एज अ मेमोरी या फिजिकल मेमोरी के तौर पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी मेक्स द टास्क ऑफ प्रोग्रामिंग इजियर। इससे हमारा काम जो है वो आसान हो जाता है, क्योंकि अब हमारे पास प्रोग्रामर जो है उसको इस चीज की टेंशन नहीं रहती कि हमारे पास जो मेन मेमोरी है उसका साइज कम है, क्योंकि हमने क्या करना है, अपनी हार्ड डिस्क को एज अ मेमोरी या मेन मेमोरी के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश जो है वो करेंगे। अब प्रोग्रामर जो है वो क्या कर सकता है, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम जो है वो लिख सकता है। अब उसके लिए ये टेंशन बिल्कुल नहीं रही कि हमारा जो मेन मेमोरी है उसका साइज छोटा है। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वर्चुअल मेमोरी जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिमांड पेजिंग का कंसेप्ट जो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो डिमांड पेजिंग हमारे पास क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डिमांड पेजिंग का कंसेप्ट हमारे पास कहता है कि पूरे का पूरा जो प्रोसेस है उसको लोड ना किया जाए मेमोरी के अंदर, बल्कि क्या किया जाए, जिन पेजेस की जरूरत है सिर्फ उन्हीं पेजेस को जो है वो लोड किया जाए मेमोरी के अंदर, बाकी के पेजेस जो है वो कहाँ पे पड़े रहे हैं, वो हमारी वर्चुअल मेमोरी के अंदर पड़े रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें कि डिमांड पेजिंग सिस्टम इज सिमिलर टू पेजिंग सिस्टम, तो ये सिस्टम जो हमारे पास पेजिंग सिस्टम है उसे मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कौन सा कंसेप्ट इस्तेमाल होता है, स्वैपिंग का। ठीक है, तो स्वैपिंग का कंसेप्ट हमारे पास क्या है, स्वैपिंग का कंसेप्ट ये है हमारे पास कि हम क्या करेंगे, अपने जो पेजेस हैं वो कहाँ पे रखेंगे, वो हम अपनी हार्ड डिस्क पर रखेंगे। तो जिन पेजेस की हमें जरूरत हुआ करेगी उन्हें हम क्या कर लिया करेंगे, स्वैप किया करेंगे। ठीक है, बाकियों को हम कहाँ पे रखेंगे, हार्ड डिस्क में,
और जब उनकी जरूरत नहीं रहेगी, हो सकता है अब हम उनको क्या करते हैं, स्वैप आउट करते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास क्या कहलाता है, डिमांड पेजिंग कहलाता है। मैं दोबारा से रिवाइज कर दूं, डिमांड पेजिंग का कॉन्सेप्ट आपके पास ये है कि जिन पेजेस की जरूरत है सिर्फ उनको मेमोरी में लोड किया जाए, और बाकी के जो हमारे पेजेस हैं वो कहाँ पे पड़े रहेंगे, वो हार्ड डिस्क पर पड़े रहेंगे, ठीक है। और इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, स्वैप इन या स्वैप आउट कर रहे होते हैं। चूंकि हम जो है वो एंड टाइम पर ही स्वैप इन करते हैं जब हमें जरूरत पड़ती है, तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं लेजी स्वैपिंग, ठीक है। और इसके लिए जो टूल इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं लेजी स्वैपर। तो लेजी स्वैपर क्या है, लेजी स्वैपर जो है वो तब ही पेजेस को स्वैप करता है मेन मेमोरी के अंदर जब उन पेजेस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि यहाँ पे स्वैप का जो हमारे पास कंसेप्ट है वो इस्तेमाल होता है प्रोसेसेस के साथ, कि जब आपने पूरे का पूरा प्रोसेस जो है उसको मैनिपुलेट करना हो, जबकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम पेजेस की बात कर रहे हैं। तो इस वजह से वो कहता है कि स्वैपर का लफ्ज यूज ना किया जाए, बल्कि किसका लफ्ज यूज कर लिया जाए, पेजर जो है हमारे पास वो लफ्ज जो है वो यहाँ पे यूज किया जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्वैपर नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे कि हमारा पेजर जो है वो क्या कर रहा है, वो स्वैप इन करवा रहा है या स्वैप आउट करवा रहा है। तो ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट है किसका, डिमांड पेजिंग का, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें कि डिमांड पेजिंग जब हम करते हैं तो यहाँ पे हमें वैलिडेशन की भी जरूरत पड़ती है। वैलिडेशन हमारे पास, जैसा कि हमारे पास सिंपल पेजिंग में हमने देखा था कि हमारे पास एक बिट इस्तेमाल होती थी जिसे हमने बोला था वैलिड इनवैलिड बिट। तो वहां पे हमारे पास वैलिड या वैलिड बिट होती थी कि अगर हमारा कोई पेज जो है वो उसी प्रोसेस से ताल्लुक रखता है तो हम उसको वैलिड सेट वी सेट करते थे। अगर वो पेज जो है हमारी मेमोरी हमारे प्रोसेस से ताल्लुक नहीं रखता तो हम उसे क्या करते थे, इनवैलिड सेट कर दिया करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, जो हमारा पेज टेबल है उसमें हम क्या करेंगे, वैलिड इनवैलिड बिट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पे वैलिड इनवैलिड बिट का इस्तेमाल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो यहाँ पे हमारे पास ये है कि अगर तो इनवैलिड सेट है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रोसेस है वो इस वक्त जो है वो मेमोरी के अंदर मौजूद नहीं है। हमारा पेज कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो हार्ड डिस्क पर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये तब हम क्या करेंगे, इनवैलिड बिट का इस्तेमाल करेंगे। और जब हमारा पेज जो है वो मेमोरी के अंदर पड़ा होगा और उसका ताल्लुक हमारे प्रोसेस के साथ भी होगा तो तब हम उसे क्या करेंगे, वैलिड जो है वो सेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक प्रोसेस है, लॉजिकल मेमोरी है जिसके मुख्तलिफ पेजेस हैं, ठीक है। उनमें से चंद एक पेजेस हमारे जो हैं वो रैम के अंदर लोड है, जबकि बाकी कहाँ पे पड़े हुए हैं, हार्ड डिस्क पर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो पेज नंबर 0 है, ठीक है, तो पेज नंबर 0 जो है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, फ्रेम नंबर 4 पर पड़ा हुआ है, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये वी भी नजर आ रहा होगा, ये वैलिड है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो है पेज नंबर 2 जो है, जो कि सी है आपके पास, वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, 6 पे आपके पास पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आपके पास वैलिड है। और इसी तरह से आपके पास पेज नंबर 5 जो है, वो हमारे पास कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो हमारे पास 9 जो फ्रेम नंबर है उस पर यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये तीन पेजेस जो हैं वो हमारे कहाँ पे पड़े हुए हैं, ये हमारे पड़े हुए हैं मेन मेमोरी में, इसलिए हमने उन्हें क्या सेट करवाया हुआ है, वी सेट करवाया हुआ है, मतलब वैलिड हैं ये। जबकि बाकी सारे जो हैं वो हमारे पास क्या है, पेज 1 हो गया, पेज इसी तरह से 3 हो गया, 4 हो गया, या 6 7 है, जो कि हमारे हार्ड डिस्क पर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इनको हमने क्या करवाया है, इनवैलिड जो है वो सेट करवाया हुआ है। तो ये बात आपको समझ आ चुकी होगी कि इसमें हमने क्या करना है, वैलिड इनवैलिड बिट का इस्तेमाल करना है, ताकि हमें पेज टेबल से पता चलता रहे कि कौन सा पेज जो है इस वक्त मेन मेमोरी में मौजूद है और कौन सा जो है मेन मेमोरी में मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम वैलिड इनवैलिड बिट का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास कंसेप्ट आ रहा है वो है हमारे पास पेज फॉल्ट, ठीक है। तो पेज फॉल्ट से हमारे पास क्या मुराद है, ठीक है। तो बिलफर्ज हमारा जो यहाँ पे हमें किसी पेज की जरूरत पड़ी, फिजिकल मेमोरी में हमारे पेजेस पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे देखें कि हमारा जो प्रोसेस था बिलफर्ज, उसको जरूरत पड़ी है पेज नंबर 1 की, तो वो यहाँ पे आके देखेगा कि पेज नंबर 1 मौजूद है या नहीं। तो उसको यहाँ पे पेज नंबर 1 मौजूद नहीं मिलेगा और यहाँ पे इनवैलिड बिट जो है उसको सेट हुई मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या हुआ, एक पेज फॉल्ट अकर हो गया है। पेज फॉल्ट कब अकर होता है, कि जब हम किसी पेज की डिमांड करते हैं और वो पेज जो है वो हमें नहीं मिलता फिजिकल मेमोरी के अंदर या हमारे रैम के अंदर, तो तब हमारे पास क्या हो जाता है, पेज फॉल्ट जो है वो अकर हो जाता है, ठीक है।
तो मैं दोबारा से रिवाइज करता हूँ, हमने किसी पेज की डिमांड की, वो हमारे पास फिजिकल मेमोरी या रैम के अंदर नहीं पड़ा हुआ, तो हमारे पास क्या अकर हो जाएगा, पेज फॉल्ट जो है वो हमारे पास अकर हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमारे पास पेज फॉल्ट अकर होता है तो तब हमारे पास जो है एक ट्रैप जो है वो जनरेट किया जाता है, और इसमें हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, उनको हम यहाँ पे इस डायग्राम के, ये जो हमारे पास इमेज है इसकी मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बिलफर्ज ये आपके पास कोई प्रोसेस है, उस प्रोसेस में ये इस लोकेशन पर कोई इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई थी कि लोड करें एम को। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रोसेस है, ये हमारा पेज टेबल है, यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमारी हार्ड डिस्क है, ठीक है, जहाँ पे हमने वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट बनाया हुआ है, और ये क्या है, हमारी रैम है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्या है, हमारे पास प्रोसेस का ये वाली जो लोकेशन है, यहाँ पे लिखा हुआ था कि लोड करें एम को। अब एम हो सकता है हमारा कोई पेज हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो है देखा जाएगा पेज टेबल में जाके, आया कि ये वाला जो है पेज हमारे पास मौजूद है या नहीं मेमोरी के अंदर, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड कहाँ पे पड़ा होगा, पेज टेबल में पड़ा होगा। तो जब हम पेज टेबल में आए तो हमें पता चला कि भाई ये वाला पेज जो है वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, इनवैलिड बिट जो है वो सेट की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमारा क्या होगा, एक ट्रैप जनरेट होगा, और हमारा जो कंट्रोल है वो कहाँ पे चला जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास चला जाएगा। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम फिर क्या करेगा, चेक करेगा कि यहाँ से वो आएगा कहाँ पे, हार्ड डिस्क पर, और ये जो हमारा मतलूबा पेज है उसको यहाँ से उठाएगा। ठीक है, और कहाँ पे लोड कर देगा, यहाँ पे फिर उठाने के बाद यहाँ पे आके देखेगा, जो इसे खाली फ्रेम मिलेगा उस फ्रेम में ला के इस पेज को क्या कर दिया जाएगा, लोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा चौथा स्टेप हुआ। फिर पांचवें स्टेप में आके पेज टेबल जो है उसमें तब्दीली की जाएगी। तब्दीली कौन सी की जाएगी, कि इनवैलिड बिट थी तो इसको क्या कर दिया जाएगा, वैलिड कर दिया जाएगा, और यहाँ पे फ्रेम नंबर का अंदराज कर दिया जाएगा कि कौन से फ्रेम में जो है इस पेज को लोड किया गया है। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो प्रोसेस है वो दोबारा से जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास क्या है, ये सिक्स स्टेप जो है वो हमारे पास होते हैं। मैं दोबारा से इनको जल्दी से रिवाइज करता हूँ। जब हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन आई तो सबसे पहले जो है वो पेज टेबल को चेक किया जाएगा, अगर हमारे पास इनवैलिड बिट है तो हमारे पास यहाँ पे चेक किया जाएगा, आया कि इनवैलिड इस वजह से है कि वो हमारा पेज जो है मतलूबा पेज वो रैम के अंदर मौजूद नहीं है। कि इनवैलिड का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास यहाँ पे जो पेज नंबर ये वाला जो था, इसका ताल्लुक ही हमारे प्रोसेस से नहीं है। ठीक है, अगर इस इंस्ट्रक्शन का ताल्लुक हमारे प्रोसेस से ना हुआ तो तब हमारे पास क्या होगा, प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अगर इसका ताल्लुक हमारे इस प्रोसेस से हुआ तो तब क्या किया जाएगा, यहाँ से ट्रैप जनरेट किया जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लोकेट करेगा हमारी वर्चुअल मेमोरी में पेज को, और फ्री फ्रेम ढूंढ के रैम के अंदर उसमें पेज को लोड कर देगा, और फिर से यहाँ पे हम आएंगे पेज टेबल में आके जो है तब्दीलियां करेंगे या पेज टेबल को अपडेट करेंगे, और हमारा प्रोसेस जो है जहाँ पे छोड़ा गया था इसका अंदराज जब ये ट्रैप जनरेट हुआ तो इसका अंदराज जो है पीसीबी में कर दिया गया था, इसका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में रजिस्टर वगैरह के जो वैल्यूज थी, तो दोबारा से हमारा जो है वो प्रोसेस वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ स्टेप हैं जो हमारे पास अक्कर होते हैं, कहाँ पे, जब हमारे पास पेज फॉल्ट जो है वो हमारे पास अक्कर होता है, और ये छह के छह स्टेप जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये जो है मैंने वजाहत कर दी है आपको। ठीक है जी, अब पेज हमने कंसेप्ट पढ़ लिया है डिमांड पेजिंग का, और दूसरा कंसेप्ट हमने पढ़ा है पेज फॉल्ट का। ठीक है, अब हमारे पास एक और कंसेप्ट है यहाँ पे, प्योर डिमांड पेजिंग। प्योर डिमांड पेजिंग से क्या मुराद है, प्योर डिमांड पेजिंग हमारे पास फ्रेंड्स है कि हमने क्या किया कि कोई प्रोसेस जो है वो हमने एग्जीक्यूट करना था, लेकिन हमने उसका एक भी पेज जो है वो हमारी जो मेन मेमोरी है उसमें नहीं डाला, सारे के सारा हमने कहाँ पे डाल दिया है, सारे का सारा जो है वो हमने अपनी हार्ड डिस्क में डाल दिया। ठीक है, तो जब हमारा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा तो उसको जो है जारी बात है स्टार्ट होने के लिए किसी ना किसी पेज की जरूरत पड़ेगी, तो जब वो पेज को आगे चेक करेगा यहाँ पे मेन मेमोरी में या अपने पेज टेबल में आके देखेगा तो वहां पे उसको इनवैलिड नजर आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, पेज फॉल्ट अकर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जितने उसको पेजेस चाहिए उन हर एक पेज के लिए हमारे पास क्या होगा, एक पेज फॉल्ट जो है वो हमारे पास क्या होता जाएगा, अकर होता जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो कंसेप्ट है ये हमारे पास क्या कहलाता है, प्योर डिमांड पेजिंग कहलाता है। मैं दोबारा से बता दूं,
प्योर डिमांड पेजिंग क्या है, नेवर ब्रिंग अ पेज इन टू मेन मेमरी अंटिल इट इज रिक्वायर्ड। हमने क्या किया, जब प्रोसेस जो है उसको एग्जीक्यूट किया तो उसका एक भी पेज हमने मेन मेमोरी में नहीं डाला था। तो जैसे जैसे पेजेस लाजमी पेजेस की जरूरत पड़ती जाएगी वैसे वैसे हम उनको लोड करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास कहलाता है प्योर डिमांड पेजिंग। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये जो दो लाइंस आपको नजर आ रही है यहाँ पे है कि हमें हार्डवेयर कौन सा चाहिए, पेज टेबल चाहिए जिसका इस्तेमाल हम देख चुके हैं। दूसरी हमें यहाँ पे जारी बात है सेकेंडरी मेमोरी या हमारी हार्ड डिस्क चाहिए, और उसका हमारे पास क्या है ये स्वैप स्पेस जो है उसके हम इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे जो उसको स्वैप स्पेस को ही हम एज अ वर्चुअल मेमोरी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा जी डिमांड पेजिंग हम जब करते हैं, डिमांड पेजिंग का मैंने आपको क्या बताया कि जिस पेज की जरूरत पड़ेगी उसको हमने हार्ड डिस्क से उठा के मेन मेमोरी में लेके आना है वरना नहीं लेके आना, ये चीज जो हमारे पास डिमांड पेजिंग कहलाती है। ठीक है, तो डिमांड पेजिंग जो है उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से एक फार्मूला है हमारे पास, इसको आपने लाजमी याद रख लेना है, मैं इसको थोड़ा सा समझा भी देता हूँ। वो कहता है कि आजकल हमारे पास जो प्रोसेसेस हमारे जो सिस्टम है उनमें जो हमारे पास मेमोरी एक्सेस टाइम है वो जिसको हम एम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है जिसको हम एम ए से डिनोट करते हैं वो है हमारे पास 10 to 200 नैनो सेकेंड। तो हमारे पास कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है उसका मेमोरी एक्सेस टाइम 10 to 200 नैनो सेकेंड है। ठीक है, अब हमारे पास अगर तो कोई पेज फॉल्ट अक्कर ही नहीं होता, ठीक है हमारे पास मतलब कि वो पेज जो है वो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद था, तो इसका मतलब है कि हमारा मेमोरी एक्सेस टाइम का कितना रहेगा 10 to 200 नैनो सेकेंड के दरमियान रहेगा। लेकिन अब हमारे पास ऐसा लाजमी होगा कि कोई ना कोई पेज फॉल्ट अक्कर होगा, ठीक है तो उस सूरत में हमारा एक्सेस टाइम जो कैसे कैलकुलेट किया जाता है इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। वो कहता है कि हमारे पास जो यहाँ पे हम क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो यूज करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो है वो 0 to 1 तक हो सकती है, मतलब 0 से ये ग्रेटर देन होगी और 1 से क्या होगी लेस देन होगी। तो 0 का मतलब है कि हमारे पास या तो बिल्कुल ही पेज फॉल्ट कर ही नहीं हो रहे या हो रहे हैं तो बहुत कम हो रहे हैं, और 1 का हमारे पास क्या मतलब होगा कि हमारे पास काफी पेज फॉल्ट जो है वो अक्कर हो रहा है। इस तरह से हम क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट जो है वो इस्तेमाल करेंगे अपनी डिमांड पेजिंग में। ठीक है, तो अब हमारे पास ये फार्मूला है इसको देखिएगा जरा कि हमारे पास इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम जो है वो हमारे पास क्या है 1 - P × MA। MA मैंने आपको क्या किया बताया मेमोरी एक्सेस टाइम, और P मैंने आपको क्या बताया प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे 1 - P का मतलब ये है हमारे पास कि हमारे पास कम से कम जो है वो प्रोबेबिलिटी है, समझ लें कि 0 प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास पेज फॉल्ट अक्कर होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास बिल्कुल जो है वो पेज फॉल्ट अक्कर नहीं हो रहा जो कि हमने क्या कह दिया था बिल्फर्स 200 नैनो सेकेंड है, तो हम उसे क्या करेंगे अपना मेमोरी एक्सेस टाइम जो है उसके साथ जरब दे देंगे। ठीक है, 1 - P मतलब बिल्कुल अक्कर नहीं हुआ और मेमोरी एक्सेस टाइम हमारा क्या हो गया 200 नैनो सेकेंड हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर हमारे पास कोई पेज फॉल्ट अक्कर होता है तो वो हमारे पास यहाँ पे हम पुट करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे पुट करेंगे और उसको जरब देंगे पेज फॉल्ट टाइम के साथ। अब पेज फॉल्ट टाइम से क्या मुराद है हमारे पास, पेज फॉल्ट टाइम में हमारे पास कोई 5-6 चीजें आ जाती हैं, लेकिन उनमें से जो अहम है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी जितना टाइम लगता है वो ये नीचे जो है वो आपको इन पॉइंट्स में नजर आ जाएगा। पेज फॉल्ट टाइम में हमारे पास आ जाता है जी, जैसे ही हमारे पास पेज फॉल्ट हुआ तो हमारे पास क्या होगा ट्रैप जनरेट होगा, स्वैप आउट होगा, स्वैप इन होगा, इसके अलावा पीसीबी में कोई रिकॉर्ड वगैरह सेट किया जाएगा, दोबारा से हमारा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। तो ये सारी चीजें जो है वो मिलके क्या बनाती हैं पेज फॉल्ट टाइम हमारे पास बनाती हैं। तो ये फार्मूला क्या कहता है जो कि हम मैयर करते हैं जिसकी मदद से परफॉर्मेंस ऑफ डिमांड पेजिंग, ये कहता है कि हमारे पास जो है 1 - P का मतलब है कि हमारे पास बिल्कुल जो है पेज फॉल्ट नहीं अक्कर हुआ, तो इस सूरत में हमारा जो मेमोरी एक्सेस टाइम है वो क्या रह जाएगा जो भी हमें रेशो दी हुई मतलब जैसे कि 200 नैनो सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और ये कब होगा प्रोबेबिलिटी जब हमारे पास 0 हुई। ठीक है, अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो जाती है मतलब कुछ पेज फॉल्ट अक्कर होते हैं तो फिर हम उसे क्या करेंगे जरब देंगे अपने पेज फॉल्ट टाइम के साथ, और पेज फॉल्ट टाइम जैसे स्वैप आउट स्वैप इन है या हमारे पास ट्रैप को सेव जब ट्रैप जनरेट होती है तो उसमें जो कोई हमारे पास टाइम लगेगा, इस तरह से मुख्तलिफ टाइम जो है वो उनको जो है जमा करके हमारे पास क्या कहते हैं पेज फॉल्ट टाइम कहते हैं। तो आपने क्या करना है ये वाला जो फार्मूला है इसको अच्छी तरह से आपने याद कर लेना है, थोड़ा बहुत जो है मैंने आपको समझा भी दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ तक हमने जो कंसेप्ट देखे हैं वो है हमारे पास वर्चुअल मेमोरी
वर्चुअल मेमोरी को क्यों यूज किया जाता है, डिमांड पेजिंग का कंसेप्ट देखा, और उसके बाद जो है हमने पेज फॉल्ट का कंसेप्ट जो है वो देख लिया। ठीक है, अब हमारे पास तीसरा एक और कंसेप्ट है यहाँ पे, वो है हमारे पास पेज फॉल्ट रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो जब हमारे पास एक पेज फॉल्ट जो है वो अक्कर हो गया, तो तब वो कहता है कि हमारे पास क्या किया जाएगा, हमारे पास कोई फ्री फ्रेम जो है वो ढूंढा जाएगा, ताकि जो पेज फॉल्ट हमारे पास अक्कर हुआ है, जो पेज हमें नहीं मिला, उसको क्या किया जाए, ला के डाला जाए मेन मेमोरी के अंदर। लेकिन हो सकता है हमारे पास कोई फ्रेम जो है वो खाली ना पड़ा हुआ हो। ठीक है, तो उस सूरत में पहला काम हम क्या करने की कोशिश करेंगे, हम फौरन डिमांड पेजिंग करने की कोशिश करेंगे कि उस पेज को हम क्या करेंगे, स्वैप आउट करवा देंगे। ठीक है, लेकिन वो कहता है कि यहाँ पे हमारे पास चूंकि स्वैप आउट स्वैप इन में काफी ज्यादा वक्त लग जाता है, तो यहाँ पे हम डिमांड पेजिंग को यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, पेज रिप्लेसमेंट यूज करेंगे। पेज रिप्लेसमेंट का कंसेप्ट हमारे पास क्या कहलाता है, इफ नो फ्रेम इज अवेलेबल ऑन अ पेज फॉल्ट, अगर हमारे पास पेज फॉल्ट अक्कर हुआ और कोई पेज खाली ना हुआ हमारे पास, वी रिप्लेस अ पेज इन द मेन मेमोरी टू होल्ड द डिजायर्ड पेज। तो हम क्या करेंगे, अपनी मेन मेमोरी जो है उसमें से किसी पेज के साथ उसको क्या कर लेंगे, नए पेज को जो है वो रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो प्रोसेस हमें दिए हुए हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास लॉजिकल मेमोरी है ऑफ यूजर वन और ये लॉजिकल मेमोरी है ऑफ यूजर टू, दोनों के अंदर चार चार पेजेस जो है वो आपके पास मौजूद है। ठीक है, अच्छा इसी तरह से हमारे पास जो है ये हमारी हार्ड डिस्क है और यहाँ पे फिजिकल मेमोरी जो है उसमें हमारे पास क्या है, 8 फ्रेम जो है वो हमारे पास है। इनमें 2 फ्रेम के अंदर जो है वो हमने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह जो है वो लोड किया हुआ है, और बाकी जो 6 हैं उनमें हमने क्या किया हुआ है, हर प्रोसेस के 3-3 जो है इंस्ट्रक्शंस या 3-3 पेजेस जो है वो मैं कहूँगा कि वो हमने क्या किए हुए हैं, लोड किए हुए हैं। ठीक है, अब अगर मैं प्रोसेस वन की बात करूँ, तो इसमें से आप देख लें कि प्रोसेस वन का जो हमारे पास है यहाँ पे 3 में इसको लोड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस वन है, मतलब ये एच यहाँ पे हमारा, या आप कह सकते हैं कि जो हमारा 0 पेज है वो यहाँ पे लोड किया गया है। इसी तरह से हमारे पास फ्रेम नंबर 4 में इसका कुछ पड़ा हुआ है, फ्रेम नंबर 4 में हमारे पास जो है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो इसी तरह से हमारे पास फ्रेम नंबर 5 जो है वो भी हमारा जो है ये 2 वाला है, ये 2 और ये 1। ठीक है, अब हमारे पास पेज नंबर 0, 1 और 2 जो कि हमारे प्रोसेस यूजर 1 के हमारे पास पेजेस थे, वो यहाँ पे लोड हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है पीछे से इंस्ट्रक्शन आई कि पेज नंबर 3 जो है उसको लोड किया जाए यहाँ पे क्या कहते हैं, मेमोरी के अंदर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो पेज नंबर 3 है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, पेज नंबर 3 तो हमारा पड़ा हुआ है हार्ड डिस्क पर। ठीक है, तो इस सूरत में अब हमारे पास क्या हो गया, पेज फॉल्ट हमारे पास अक्कर हो गया है। हमारे पास क्या अक्कर हो गया, पेज फॉल्ट हमारे पास अक्कर हो गया है। हमने क्या करना है, अपना ये जो पेज नंबर 3 है उसको डालना है यहाँ पे कहीं, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास खाली जगह ही खाली नहीं है, तो उस सूरत में क्या किया जाएगा, पेज रिप्लेसमेंट जो है वो हमारे पास की जाएगी। ठीक है, तो पेज रिप्लेसमेंट में हमारे पास क्या किया जाता है, पेज रिप्लेसमेंट में हमारा सिस्टम जो है वो देखता है कि भाई यहाँ पे कौन सा पेज जो है उसको रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे मौजूद पेजेस में से किसी एक पेज को उठा के हमने क्या करना है, वापस डालना है हार्ड डिस्क में, और जो हमारा मतलूबा पेज है उसको हमने लोड करना है अपनी मेमोरी के अंदर। तो ये कंसेप्ट जो है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, पेज रिप्लेसमेंट हमारे पास कहलाएगा। और जिस पेज को हमने रिप्लेस करना है या जिसको उठा के हमने वापस हार्ड डिस्क में डालना है, उस पेज को हम बोलते हैं विक्टिम पेज। ठीक है, उसे हम विक्टिम पेज का कंसेप्ट जो है वो कहते हैं। तो जब हमारे पास ये पेज रिप्लेसमेंट हो रही होती है, तो यहाँ पे ये कुछ स्टेप हमारे पास होते हैं कि फाइंड द लोकेशन ऑफ द डिजायर्ड पेज ऑन द डिस्क। तो जो हमारा डिजायर्ड पेज है उसकी लोकेशन को ढूंढा जाएगा कि हार्ड डिस्क में कहाँ पड़ी हुई है, और फिर हम क्या करेंगे, अपना एक फ्री फ्रेम जो है वो यहाँ पे आके ढूंढेंगे। अगर फ्री फ्रेम मिल जाता है तो हम उसे इस्तेमाल कर लेंगे, अगर फ्री फ्रेम नहीं मिलता तो फिर क्या किया जाएगा, इफ देयर इज नो फ्री फ्रेम यूज अ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम टू सिलेक्ट अ विक्टिम फ्रेम। तो यहाँ से हम किसी फ्रेम को एज अ विक्टिम फ्रेम जो है वो उठा के कहाँ पे डाल देंगे, हार्ड डिस्क में डाल देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, रीड द डिजायर्ड पेज इनटू द न्यूली फ्रीड फ्रेम, चेंज द पेज एंड फ्रेम टेबल।
और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना मतलूबा पेज जो है वो यहाँ पे लोड कर देंगे और अपना पेज टेबल जो है उसको हम क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे और यहाँ पे जिस जगह पे हमारा ट्रैप जो है वो अकर हुआ था दोबारा, वहां से हमारा प्रोसेस जो है वो क्या करना शुरू हो जाएगा, रन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो था ये था हमारे पास पेज रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब पेज रिप्लेसमेंट जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास काफी ज्यादा जो है वो टाइम लग सकता है। ठीक है, हमने यहाँ पे पेज ढूंढा, उसको यहाँ पे अपनी हार्ड डिस्क में फ्रेम खाली को ढूंढा और यहाँ पे आके जो है वो पेज टेबल जो है उसको भी हमने अपडेट करना, तो ये जो स्टेप्स हैं इनमें हमारे पास क्या होता है, काफी ज्यादा जो है वो ओवरहेड हमारे पास आ जाता है। तो वो कहता है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टाइम बचा सकते हैं या ओवरहेड जो है उसको कम कर सकते हैं। एक बिट है जिसे हम बोलते हैं मॉडिफाई बिट या डर्टी बिट जो है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मॉडिफाई बिट या डर्टी बिट हमारे पास क्या है, अब बिलफर्ज जो है कुछ टाइम पहले मैंने क्या किया था, ये जो विक्टम पेज था हमारा यहाँ पे जो पेज लोड किया था हमारा, ठीक है, बिलफर्ज मैं कहता हूँ कि ये यहाँ पे हमारा पड़ा हुआ था पेज ए जो है वो हमारे पास पड़ा हुआ था ये विक्टम वाले में। ठीक है, अब जब हमारे पास वो विक्टम पेज को उसने उठा के वापस डालना है, स्वैप आउट करना है, जब यहाँ से वो देखेगा कि इसमें हमने कोई तब्दीली भी की है या नहीं, हो सकता है ना कि हम कोई पेज जो है उसको हमने रैम के अंदर लेके आए लेकिन रैम के अंदर लाने के बावजूद हमने उसमें कोई तब्दीली नहीं की थी। ठीक है, वो पेज वैसे का वैसे ही हमारे पास लोड हो गया था, उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया था, तो इसका मतलब है कि उसको दोबारा से स्वैप आउट करने की जरूरत नहीं है, पेज टेबल को अपडेट करने की जरूरत नहीं है, तो ये सारी ओवरहेड जो है वो हमारे पास बच जाएगा। और ये सारा हम किसकी मदद से देखेंगे, मॉडिफाई बिट या डर्टी बिट की मदद से देखेंगे। अगर तो हमारा विक्टिम पेज के अंदर कोई ना कोई चेंज आया हुआ तो तब हम हार्ड डिस्क पर जाकर चेंजेस करेंगे, वरना हम क्या करेंगे डायरेक्टली जो है अपना पेज जो उसको क्या कर लेंगे, रिप्लेस करवा लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या इस्तेमाल है, मॉडिफाई बिट का या डर्टी बिट का है, जिससे हमारा काफी ओवरहेड जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने मेन जो कॉन्सेप्ट थे इसके वो देख लिए हैं हमारे पास वर्चुअल मेमोरी के, जिसमें हमारे पास डिमांड पेजिंग है, उसके बाद हमारे पास पेज फॉल्ट है और पेज रिप्लेसमेंट है। ठीक है, और इसमें कौन कौन सा हार्डवेयर इस्तेमाल होता है वो भी हमने देख लिया है। अब हमारे पास ये जो पेज को रिप्लेस किया जाता है, जब हमारे पास पेज फॉल्ट अकर होता है तो हम क्या करते हैं, पेज को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो कौन से पेज को विक्टिम पेज बनाना है और किस तरह से हमने ये रिप्लेसमेंट करनी है, उसके लिए हमारे पास इस्तेमाल होते हैं कुछ एल्गोरिदम्स इस्तेमाल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम का हमारे पास जो मेन मकसद है वो ये है कि पेज फॉल्ट जो है उसको किसी तरह से कम किया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो है जो मुख्तलिफ रेफरेंसेज जनरेट होंगे उन्हें हम कहते हैं मेमोरी रेफरेंसेज या रेफरेंस स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास कहा जाता है। ठीक है, तो एक तरतीब के अंदर जो जो हमारे पास पेजेस की डिमांड आ रही है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, रेफरेंस स्ट्रिंग या मेमोरी रेफरेंस हमारे पास कहलाएगी। ये डायग्राम अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि नंबर ऑफ फ्री फ्रेम एलोकेटेड टू अ प्रोसेस, यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि नंबर ऑफ फ्री फ्रेम्स जो है हमारे पास जो किसी प्रोसेस को चाहिए एंड द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट, और जो हमारे पास पेज फॉल्ट अकर होता है उनकी जो है रिलेशनशिप जो है वो इसमें हमें दिखाया गया है। तो ये इमेज हमें बताती है कि द नंबर ऑफ फ्रेम्स अवेलेबल इंक्रीजेज द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट डिक्रीजेज, तो जैसे जैसे जो है वो हमारे पास फ्री फ्रेम की तादाद बढ़ती जाएगी तो पेज फॉल्ट जो है वो हमारे पास क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो शुरू में आप देख सकते हैं कि पेज फॉल्ट हमारे पास ज्यादा था, अब जैसे जैसे हमारे पास फ्री फ्रेम्स बढ़ते जा रहे हैं तो हमारा पेज फॉल्ट जो है वो कम होता जा रहा है। तो हमारे पास सबसे पहला जो यहाँ पे एल्गोरिदम है पेज रिप्लेसमेंट के हवाले से वो है हमारे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास पेज पहले आया हुआ होता है उसको हम क्या करते हैं, पहले जो है उसको रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास चार फ्रेम दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं फ्रेम नंबर 0 से लेके फ्रेम नंबर 3 तक, और ये हमें क्या किया हुआ है, कुछ पेजेस दिए हुए हैं या जिसे हम कहते हैं रेफरेंस स्ट्रिंग हमें दी हुई है, और इस पे हमने क्या करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो हमारा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है उसको इस्तेमाल करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे समझ लें कि हमारे पास प्योर डिमांड पेजिंग हो रही है, कि हमारे पास जब प्रोसेस शुरू हुआ तो कुछ भी हमारा जो है वो मौजूद नहीं था यहाँ पे मेन मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये मैंने ऊपर क्या कर लिए हैं, ये पूरी रेफरेंस स्ट्रिंग जो है वो ऐसे लिख ली है, और ये वाले मेरे क्या है, चार फ्रेम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि सबसे पहले आपके पास किसकी डिमांड हुई, पेज नंबर वन की डिमांड हुई। तो पेज नंबर वन हमारे पास मौजूद नहीं था, तो हमारे पास क्या हुआ, एक पेज फॉल्ट अकर हुआ, और हमने क्या किया, डिमांड पेजिंग करते हुए वन को जो है वो लोड कर लिया। फिर हमारे पास टू यहाँ पे जो है उसकी डिमांड हुई, टू भी मौजूद नहीं था, पेज फॉल्ट अकर हुआ और हमने टू को जो है वो लोड कर लिया। फिर इसी तरह से थ्री की डिमांड हुई हमारे पास, तो थ्री हमारे पास मौजूद नहीं था, पेज फॉल्ट अकर होने की सूरत में हमने क्या कर लिया, उसकी डिमांड उसको जो है वो यहाँ पे लोड कर लिया। अब हमारे पास क्या हुआ, जो पेज नंबर फोर जो है उसकी डिमांड हुई, और ये भी हमारे पास मौजूद नहीं था, तो हमने क्या किया, अपना जो फ्रेम नंबर फोर था उसमें हमने लोड कर लिया है। ठीक है, अपना जो पेज नंबर फोर है उसको। अब नेक्स्ट देखें, हमारे पास जो है वो यहाँ पे पेज नंबर आया फाइव। ठीक है, तो पेज नंबर फाइव जो है उसकी हमारे पास डिमांड हुई, हमने आके अपने फ्रेम चेक किए तो किसी भी फ्रेम के अंदर जो है वो हमारे पास फाइव नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, और हमारे पास कोई पेज भी खाली नहीं है, इसका मतलब है हमारे पास कोई पेज फॉल्ट अकर हो गया है। अब हमने क्या करना है, पेज रिप्लेसमेंट करनी है। तो पेज रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे, हमारे पास जो एल्गोरिदम है वो कौन सा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि इनमें से जो सबसे पहले आया था हम उसको रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे हम गिनती कर लेते हैं कि सबसे पहले कौन सा आया था, तो इसको अगर आप देखें तो वन जो है वो सबसे पहले आया था। देखें ये सबसे ज्यादा जो है वो यहाँ पे मौजूद है, वन टू थ्री फोर टाइम ये मौजूद है। हम क्या करेंगे, वन जो है उसको उठा के भेज देंगे हार्ड डिस्क में, और फाइव जो है उसको यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे फाइव जो है वो लोड हो चुका है, बाकी पेजेस हमारे पास वैसे रहेंगे। अब हमारे पास क्या है जी, वन जो है वो नया पेज की डिमांड हुई है, दोबारा से पेज फॉल्ट अकर होगा हमारे पास। अब हमने देखना है कि हमारे पास इनमें से जो प्रोसेस जो पेजेस पड़े हुए हैं इनमें से सबसे ओल्ड कौन सा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फाइव जो है वो हमारे पास सिर्फ न्यू था हमारे पास, और बाकी जो तीन थे इनमें से सबसे ओल्ड जो था वो हमारे पास कौन सा था, टू था। तो हम क्या करेंगे, टू को जो है वो रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, पेज नंबर वन के साथ। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ, पेज नंबर सिक्स जो है वो आ गया। पेज नंबर सिक्स जो है वो किसको आके रिमूव करेगा, वो थ्री को आके रिमूव करेगा, क्योंकि अब थ्री जो है वो हमारे पास सबसे पहले आया हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हमारे पास चल रहा था, तो यहाँ पे सिक्स जो है उसको लोड कर दिया गया। नेक्स्ट पेज जो हमारे पास आया सेवन, तो सेवन जो है अब दोबारा से चेक किया जाएगा, तो यहाँ पे सबसे पुराना पेज कौन सा पड़ा हुआ है, पेज नंबर फोर पड़ा हुआ है, तो उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, पेज नंबर सेवन जो है उसको लोड कर देंगे। ठीक है, अब इसी तरह से हमारे पास जो है नेक्स्ट जो है वो पेज नंबर हमारे पास एट आया। ठीक है, अब जब पेज नंबर एट आया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पेज फॉल्ट अकर हो जाएगा, और अब हमने ढूंढना है कि सबसे जो हमारे पास यहाँ पे पड़े हुए पेजेस हैं उनमें से ओल्ड कौन सा है। तो आप यहाँ पे देखें तो फाइव जो है वो सबसे ओल्ड पेज था, इस वजह से हमने क्या किया, इसको रिमूव करके रिप्लेस कर दिया। ठीक है, एट के साथ। अब नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर सेवन आया। जब पेज नंबर सेवन हमारे पास आया तो आप देख सकते हैं कि पेज नंबर सेवन तो हमारे पास पहले से मौजूद था। इस सूरत में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास पेज हिट हो गया है, क्योंकि हमारा पेज जो पहले से ही मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है। अब की बार जो है हमारे पास कोई भी पेज फॉल्ट अकर नहीं हुआ, और फिर उसको हम क्या करते हैं, स्टेरिक के साथ जो है इस तरह से लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास पेज कौन सा आया जी, पेज नंबर एट आया। तो पेज नंबर एट जो है वो ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ था, दोबारा से हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास पेज हिट जो है वो हमारे पास हो गया है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है जी, नाइन आ गया हमारे पास, पेज नंबर नाइन आया। पेज फॉल्ट हमारे पास अक्कर होगा क्योंकि नाइन कहीं पे भी मौजूद नहीं है। अब हमने इनमें से ढूंढना है कि सबसे पुराना प्रोसेस कौन सा है। तो आप देख सकते हैं कि वन जो है वो सबसे पुराना प्रोसेस था, हमने क्या किया, उसके साथ जो है नाइन को रिप्लेस करवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पेज नंबर फाइव, तो दोबारा पेज फॉल्ट अक्कर होगा हमारे पास, और अब हमने ढूंढा है कि हमारे पास सबसे जो पुराना प्रोसेस है वो हमारे पास कौन सा था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिक्स जो है वो हमारे पास सबसे पुराना प्रोसेस था। ठीक है, और इस तरह से हम गिनती कर सकते हैं, और उसके साथ हमने इसको रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर फोर था, पेज नंबर फोर की सूरत में भी हमारे पास पेज फॉल्ट अकर होगा। ठीक है, और अब की बार हमारे पास जो सबसे लेंथी पेज था वो कौन सा था, जिसके आए हुए ज्यादा देर होगी, पेज नंबर सेवन था, उसके साथ हम यहाँ पे रिप्लेस करवा देंगे। ठीक है, अब हमारे पास कौन कौन से पेजेस पड़े हुए हैं, एट नाइन यहाँ पे हमारे पास पड़े हुए हैं,
8954, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा पेज आया, पेज फाइव हमारे पास आ गया है। पेज फाइव जो है वो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद था, पेज हिट हो गया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फोर आया, तो हमने देखा कि हमारे पास फोर, पेज नंबर फोर पहले से पड़ा हुआ है, दोबारा से एक हिट हो गया। आखिरी हमारे पास फिर से पेज नंबर फोर आया जो कि हमारे पास पड़ा हुआ था यहाँ पे, और हमारे पास क्या हुआ, दोबारा से हिट हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जितने हिट हैं उन्हें निकाल दें, बाकी सारे के सारे आपके पास क्या हैं, सारे के सारे आपके पास यहाँ पे पेज फॉल्ट अकर हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कितने पेज फॉल्ट अकर हुए हैं, एक दो तीन और ये चार, ये पांच, ये छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह और ये बारह पेज फॉल्ट जो है हमारे पास अकर हो गए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, पेज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट है। गिलाडीज अनोमली हमारे पास क्या कहलाता है, कहता है, ये कहता है कि अगर हमारे पास फ्रेम की तादाद को बढ़ा दिया जाए तो हमारे पास बजाय इसके कि पेज फॉल्ट कम हो, हमारे पास ज्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, बिलाडीज एनोमिली हमारे पास बोला जाता है, और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो है इसमें हमारे पास ये वाली एनोमिली जो है वो पाई जाती है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे एल्गोरिज्म, वो है हमारे पास लीस्ट रिसेंट यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट, ठीक है। लीस्ट रिसेंट यूज्ड का मतलब जो है वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास जैसे हमने पहले देखा है उसी से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है कि सबसे लीस्ट कौन सा इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। जो सबसे आखिर में वो इस्तेमाल उसे कहते हैं लास्ट, और जो सबसे पहले का कहीं आया हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं, लीस्ट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास नई चीज आएगी वो ये है कि जब हमारे पास पेज हिट हुआ करेगा, जब हमारे पास पेज हिट हुआ करेगा तो हमारी गिनती जो है वो दोबारा से शुरू हो जाया करेगी, ठीक है। तो उस प्रोसेस के लिए हमारी गिनती दोबारा से शुरू हो जाया करेगी, या हमारा काउंटर दोबारा से शुरू हो जाया करेगा। तो ये अब हम ये एक एग्जांपल दी हुई है, इसमें ये आपको रेफरेंस स्ट्रिंग नजर आ रही है, ये भी आपको दी हुई है। तो अभी हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पे अब हमारे पास कितने फ्रेम है, ओनली थ्री फ्रेम हमारे पास मौजूद है, और ये रेफरेंस स्ट्रिंग जो है मुख्तलिफ पेजेस हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है हमारे पास पेज नंबर सेवन आया, तो पेज फॉल्ट अकर हो गया, ठीक है, उसे हमने फ्रेम नंबर जीरो में लोड कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास जीरो आया, तो फिर से पेज फॉल्ट अकर हुआ है और इसको भी लोड कर दिया। अब हमारे पास वन आया, पेज फॉल्ट अकर हुआ और वन को जो है हमने लोड कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस हमारे पेज हमारे पास आ रहा है वो है हमारे पास टू, ठीक है। तो अब टू जो है वो इनमें से किसको रिमूव करेगा, तो जो लीस्ट रिसेंट जो है, ठीक है, सबसे पहले पहले जो यूज हुआ था, तो वो हमारे पास कौन है, सेवन है, ठीक है। जैसे हमारे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में था, कुछ उसी तरह से हम यहाँ पे भी करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इनमें से लीस्ट रिसेंट जो है वो हमारे पास क्या है, सेवन है, और लास्ट रिसेंट कौन है हमारे पास, वन है। तो हम क्या करेंगे, अपना जो लीस्ट रिसेंट है उसको रिप्लेस कर देंगे टू के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रेम नंबर जीरो में क्या हो जाएगा, टू जो है उसको लोड कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास देखें क्या हुआ, नेक्स्ट हमारे पास जीरो आया, जीरो तो हमारे पास पहले से था यहाँ पे पेज, तो हमारे पास क्या हुआ, पेज हिट जो है वो हमारे पास हो गया है। तो हम यहाँ पे देखें, ये मैंने स्टेरिक भी डाल दिया, मजीद जो है वो मैंने क्या किया है, जीरो को रेड कर दिया ताकि हमें याद रहे, ठीक है। अब हमारे पास गिनती देखें, अब हमारे पास टू जो है वो कितने टाइम्स होगा, टू टाइम, लेकिन जीरो की गिनती दोबारा से यहाँ शुरू हो चुकी है। ये जो पिछली इसकी गिनती है इसको हमने इग्नोर कर देना है, बस यही हमारे पास मेन फर्क है। और वन हमारे पास अब कितनी बार इस्तेमाल हो चुका है, थ्री टाइम जो है हमारे पास इस्तेमाल हो चुका है। तो ये जो हमारे पास जो है कि हम जीरो की गिनती, या जहाँ पे भी हमारे पास पेज हिट होगा तो वहां पे हमारे पास उस पेज की गिनती हमने नए सिरे से शुरू कर दिया करनी है, या कहें कि काउंटर हमने नए सिरे से सेट कर दिया करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्क है एलआरयू और फीफो में। अब नेक्स्ट हमारे पास देखें क्या आ रहा है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास थ्री आ रहा है, ठीक है। तो थ्री जो है, अब हमारे पास देखें टू जो है वो टू टाइम्स, जीरो वन टाइम्स, ठीक है, और थ्री जो है वो कितने टाइम आ रहा है, थ्री टाइम आ रहा है। तो इसका मतलब है ये लीस्ट रिसेंट है, तो हम क्या करेंगे, वन को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, थ्री के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास जीरो आ रहा है, तो जीरो जो है ऑलरेडी हमारे पास मौजूद था, तो पेज हिट हो गया हमारे पास और जीरो की गिनती जो है दोबारा से शुरू हो जाएगी, राइट। अब हमारे पास क्या हुआ जी, फोर आ गया, फोर जो है पेज फॉल्ट हमारे पास अक्कर होगा, और ये किसको रिप्लेस करेगा, ये टू को रिप्लेस करेगा, ठीक है। ये चार बार हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा,
यहाँ पे हमारे पास 2 को रिप्लेस करके 4 जो है उसको लोड कर दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास 2 पेज आया, ठीक है। जब 2 पेज आया हमारे पास तो 4 कितने टाइम हो चुका है, 1 टाइम, 0 कितने टाइम हो चुका है, 2 टाइम, और 3 कितने टाइम हुआ है, यहाँ पे 3 टाइम हुआ है। इसका मतलब है कि इस 3 को हम रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को लोड कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास कौन आया, 3 आया, और 3 जो है अब किसको रिप्लेस करेगा, यहाँ पे देख लेते हैं हम। 4 कितने टाइम आ चुका है, 2 टाइम्स, 0 कितने टाइम आ चुका है, 3 टाइम हमारे पास आ चुका है, ठीक है। और 2 जो है वो तो आया ही हमारे पास पिछली बार था, ठीक है। इसका मतलब है कि हम किसको यहाँ पे रिप्लेस करने वाले हैं, हम यहाँ पे रिप्लेस करने वाले हैं 0 को, ठीक है, जो कि हमारे पास लीस्ट रिसेंट यहाँ पे हमारे पास इस्तेमाल हुआ था। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन आया जी, 0 आ गया है। तो 0 आने पर हम देखते हैं कि लीस्ट रिसेंट हमारे पास कौन सा है, तो आप देख सकते हैं कि 4 जो हमारे पास 3 टाइम्स आ रहा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, 0 के साथ। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास कौन आया, 3 आया। तो 3 जब हमारे पास आया तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, पेज हिट हो गया। 3 की गिनती जो है वो हमने क्या करनी है, दोबारा से शुरू कर देनी है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है वो है हमारे पास 2, तो 2 की सूरत में भी हमारे पास जो है वो क्या हो चुका है, 2 की सूरत में भी हमारे पास पेज हिट हुआ और हमारे ये 2 की गिनती जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। अब हमारे पास क्या है, 1, तो 1 जो है वो यहाँ पे हम पेज फाल टक्कर हो जाएगा और हम गिनती करेंगे कौन सा हमारे पास कितनी टाइम आ चुका है। तो 0 आप देख सकते हैं कि 3 टाइम है, 3 जो है वो 2 टाइम है, और 1 जो है वो सिर्फ 1 टाइम है। तो हम क्या करेंगे, 0 को रिप्लेस करेंगे और 1 को यहाँ पे क्या कर देंगे, लोड कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास 2 आया, तो 2 आने की सूरत में हमारे पास क्या हुआ, पेज हिट टक्कर हो गया है, ठीक है, और पेज ही टक्कर हो गया और ये 2 की गिनती जो है वो दोबारा से हमारे पास क्या हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, यहाँ से नहीं, अब 2 की गिनती हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हुई। फिर हमारे पास 0 आया, 0 आने की वजह से हमारे पास पेज फाल टक्कर हुआ और अब ये क्या करेगा, किसको आके रिमूव करेगा, ये आके हमारे पास 0 को रिमूव करेगा, क्योंकि 3 को रिमूव करेगा क्योंकि 3 हमारे पास 4 टाइम मौजूद था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 0 को लोड कर दिया। अब हमारे पास 1 आया, 1 आने की सूरत में हमारे पास पेज फाल टक्कर हुआ, हमारे पास हिट हो गया और 1 की गिनती जो है वो अब दोबारा यहाँ से शुरू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया है जी, 7 को यहाँ पे लिया, तो 7 जो है वो हमारे पास पेज फाल टक्कर हुआ और जब हमने यहाँ पे गिनती की तो आप देख सकते हैं कि 2 जो है वो हमारे पास सबसे ज्यादा बार मौजूद था, तो उसकी जगह पे हमने क्या किया, 7 जो है उसको लोड कर दिया। फिर हमारे पास क्या हुआ, 0 आया, 0 आने की सूरत में हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास पेज हिट हो गया और नेक्स्ट हमारे पास 1 आया, तो दोबारा से पेज जो है हमारे पास क्या हो चुका है, हिट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास लीस्ट रिसेंट जो है यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट जो है वो आपके पास यूज की जाती है। तो अब आप देख लें कि हमारे पास कितने पेज हिट हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 टाइम्स जो है हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे पेज हिट हो रहा है और पेज फॉल्ट हमारे पास कितनी बार हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 टाइम, ठीक है। तो ये 10 टाइम्स जो है हमारे पास हो चुका है। तो ये आपने क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो ये वाली रेफरेंस स्ट्रिंग ले लेना आपने, और यहाँ पे आपने क्या करना है, लीस्ट रिसेंट यूज्ड जो रिप्लेसमेंट है उसको आप अप्लाई करके देखिएगा। आखिरी जिसकी हम बात करेंगे वो है हमारे पास ऑप्टिमल एल्गोरिदम, ठीक है। ऑप्टिमल एल्गोरिदम हमारे पास एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसमें सबसे कम जो है हमारे पास पेज फॉल्ट टक्कर होता है, ठीक है, और इसमें ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स भी है। इसमें हम क्या करते हैं, फ्यूचर में देखते हैं कि सबसे आखिर में कौन सा जो है वो हमारे पास इस्तेमाल होगा, ठीक है, और उसी को हम क्या करते हैं, फिर रिप्लेस किया करते हैं। तो जैसे LRU में हम पीछे देख रहे थे और ऑप्टिमल में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है उसको देखने की कोशिश करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स है लेकिन सबसे अच्छा जो है वो आप कह सकते हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है। तो ये अब हमारे पास 3 जो है फ्रेम है, चार फ्रेम है हमारे पास, ठीक है, और ये रेफरेंस स्ट्रिंग जो है वो भी हमें दी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो है क्या बनता है, देखते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास 0 आया, पेज फाल टक्कर हुआ है, लोड हो गया। 2 आया, पेज फाल टक्कर हुआ, हमने यहाँ पे डाल दिया। 3 आया, पेज फाल टक्कर हुआ, यहाँ पे डाल दिया। 4 आया, पेज फाल टक्कर हुआ और हमने क्या किया, यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ, 5 आया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि 5 को हमने अब यहाँ पे क्या करना है, लोड करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास कौन कौन से हैं, यहाँ पे हमारे पास है 1, ठीक है, 5 हमारे पास आ रहा है,
और नेक्स्ट और हमारे पास जो मौजूद है पेज वो कौन कौन से हैं, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे हमने देखना है कि 1 अक्कर तो नहीं हो रहा, यहाँ पे आके 1 जो है वो हमारे पास जो है वो आएगा। फिर हम देखते हैं 2, तो 2 हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, नेक्स्ट कहीं भी हमारे पास 2 का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे 2 को जो है वो क्या कर देंगे, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 5 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है जी हमारे पास 3, 3 हमारे पास पेज है, और हमारे पास जो पेजेस इस वक्त पड़े हुए थे वो कौन से हैं, 1, 5, 3, 4। तो नेक्स्ट देखते हैं 1 हमारे पास यहाँ पे आने वाला है। अच्छा जी नेक्स्ट है हमारे पास 5, तो 5 हमारे पास जो है वो यहाँ पे आने वाला है, और उसके बाद जो है 3, तो 3 आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ कहीं भी मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि 3 को अगर हम रिप्लेस कर दें तो हमारे पास फ्यूचर में जो है वो, एक मिनट, मेरे ख्याल हम यहाँ पे थे, सॉरी हम इस जगह पर मौजूद थे, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 1 इस लोकेशन पर इस्तेमाल होगा, और 5 जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा, और नेक्स्ट हमारे पास क्या था 3, तो 3 हमारे पास जो है वो कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं होने वाला, और फिर हमारे पास क्या है 4। तो इनमें से अब हम 3 को भी रिप्लेस कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं 1 को भी, सॉरी यहाँ पे हम, सॉरी मैंने ये गौर नहीं किया, तो 3 हमारे पास आया, तो 3 आने की वजह से हमारे पास क्या हुआ है यहाँ पे पेज हिट हो गया, सॉरी ये मैंने चीज जो है वो इस पे गौर नहीं किया था। ठीक है, फिर हमारे पास आ रहा है 4, तो 4 भी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो पेज हिट हमारे पास हो गया। अब हमारे पास आया 1, तो 1 भी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था, तो दोबारा से हमारे पास क्या हुआ है यहाँ पे पेज हिट हो गया है। ठीक है, तो अब हमारे पास सिचुएशन क्या है कि ये वाले पेजेस जो है वो हमारे पास यहाँ पे पड़े हुए हैं, 1, 5, 3, 4। नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है वो कौन सा है, हमारे पास 6 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखना है कि 1 हमारे पास इस्तेमाल होगा कहीं पे, तो आप देख सकते हैं दूर दूर तक हमारे पास 1 इस्तेमाल नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे 1 को जो है वो रिप्लेस करवा देंगे। तो 1 की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 की जगह पे हमारे पास ये 6 आ जाएगा, और बाकी पेजेस हमारे वैसे के वैसे रहेंगे। अब हम कहाँ पे आ गए, 7 पे आ गए, और पेजेस हमारे पास कौन से पड़े हुए हैं, पेजेस हमारे पास पड़े हुए हैं 6, 5, 3, 4। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे 6 हमारे पास कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हो रहा। ठीक है, हम 6 को भी रिप्लेस कर सकते हैं, और 5 हमारे पास कहाँ पे इस्तेमाल होगा, 5 हमारे पास यहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है, 3 हमारे पास कहीं पे भी अक्कर नहीं हो रहा, हम 3 को भी रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे, और 6 को भी रिप्लेस कर सकते हैं, अब हमारी मर्जी है जिसको हमने रिप्लेस करना है। ठीक है, और 4 जो है वो हमारे पास यहाँ पे इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो हमें 6 या 3 में से कोई इस्तेमाल करना है, तो मैंने क्या कर लिया यहाँ पे 3 की जगह पे जो है 7 उसको रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास सूरत हाल ये बन चुकी है। अब हम कहाँ पे आ गए हैं, अब हम इस जगह पर मौजूद हैं, और हमारे पास क्या है 8 आ गया है रेफरेंस स्ट्रिंग में, और हमारे पास क्या है जी 6 को हमने देखना है कहीं पे इस्तेमाल हो रहा है, तो नेक्स्ट कहीं भी 6 जो है वो हमारे पास इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 6 को रिप्लेस कर देंगे, और 6 की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास 7 आया, 7 हमारे पास पहले से मौजूद है, पेज हिट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 8 आया, तो 8 भी हमारे पास मौजूद था, तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे पेज हिट हो चुका है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देखें क्या आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास 9 आ रहा है। ठीक है, तो हमने देखना है कि इनमें से कौन सा आगे हमारे पास पेज आने के चांसेस हैं, तो हमने 8 देखा तो बिल्कुल नहीं आ रहा, इसका मतलब है हम 8 को रिप्लेस कर सकते हैं, 5 जो है वो फौरन हमारे पास इस्तेमाल होने वाला है, इसी तरह से 7 जो है वो भी हमारे पास, इसको भी हम रिप्लेस कर सकते थे, 4 जो है वो हमारे पास यहाँ पे फौरन आने वाला है। तो हमने इनमें से किसको चूज कर लिया है, इनमें से हमने जो है वो 9 को चूज कर लिया। ठीक है, और 8 जो फ्रेम है उस पेज है उसको चूज किया और रिप्लेस करवा लिया। ठीक है, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट पेज आएगा 5, 5 पहले से मौजूद है, ठीक है, हिट हो जाएगा, इसी तरह से 4 पे भी हिट होगा, और नेक्स्ट 3 टाइम 5, 4, 4 हमारे पास ये पेजेस ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो इस तरह से हमारे पास क्या है पेज हिट जो है वो होते जाएंगे। तो ये जो हमारे पास ऑप्टिमल है इसमें हमने क्या करना है, फ्यूचर में देखना है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप थोड़ा सा इस पे जरा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये वाला टॉपिक जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये तीनों तरह के जो है आपको पता होना चाहिए। फीफो में हमारे पास जो है वो हमने जैसे बात कर ली है,
वो अनोमली जो है हमारे पास अकर हो रही थी, सबसे कम पेज फॉल्ट जो है हमारे पास किसमें अकर होने वाले हैं, सबसे कम पेज फॉल्ट जो है हमारे पास ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट जो है उसमें जो है वो अकर होंगे। ठीक है, थोड़ी सी इस पे लाजमी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, तरीकाकार जो है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हमारा इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है जो है हमारे पास थ्रेशिंग। ठीक है, तो थ्रेशिंग जो है वो हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ कि ये है जी आपकी मेन मेमोरी। ठीक है, ये आपकी मेन मेमोरी है और आपने इसमें कुछ पेजेस कुछ प्रोसेसेस के पहले पहले पेज जो है वो लोड किए हुए हैं। यहाँ पे बिलफर्ज पेज वन का जो है प्रोसेस वन का पेज वन आपने किया हुआ है। ठीक है, प्रोसेस कौन सा था हमारे पास, वन का पेज वन, यहाँ पे प्रोसेस टू का पेज वन, यहाँ पे प्रोसेस थ्री का पेज वन, यहाँ पे प्रोसेस फोर का पेज वन, यहाँ पे प्रोसेस फाइव का पेज वन और यहाँ पे प्रोसेस सिक्स का पेज वन। इस तरह से आपने क्या किया कि पांच छह जो है वो यहाँ पे प्रोसेसेस के सिर्फ पहले पहले पेजेस जो है वो आपने लोड कर दिए हैं। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या हुआ, हमने एक चीज तो हमारे पास अचीव हो गई, वो चीज क्या थी हमारे पास, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, कि हमने क्या किया जी छह पेजेस छह प्रोसेसेस को यहाँ पे लोड कर लिया है। ठीक है, अच्छा डिग्री मल्टी प्रोग्रामिंग हमारे पास ज्यादा हो गई, लेकिन इसमें हमारे पास आगे चल के थोड़ा सा मसला होने वाला है। वो मसला हमारे पास क्या है, जब ये पेज वन जो है हमारे पास एग्जीक्यूट हो चुके तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि इसको किसकी जरूरत पड़ेगी, पेज टू की, तो हमारे पास क्या होगा, पेज फॉल्ट अकर हो जाएगा, यहाँ पे भी पेज टू की जरूरत, यहाँ भी पेज टू की, हर जगह पे हमें पेज टू की जरूरत पड़ रही है। तो इसका मतलब है कि बजाय इसका हमारा प्रोसेस प्रोसेसर जो है वो पेजेस को एग्जीक्यूट करे, वो किस में लग जाएगा, वो हमारे पास पेज रिप्लेसमेंट जो है वो उसको करने में लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगी, हमारे पास डिग्रेड हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास स्वैपिंग का जो काम है वो ज्यादा हो गया है, हमारा जो जो पहले पहले पेजेस थे वो तो इस्तेमाल हो चुके हैं, अब दूसरे पेजेस जो है वो हमने क्या करने शुरू कर दिए हैं, उनको लोड करना शुरू कर दिया है या रिप्लेस करना शुरू कर दिया है, और इस तरह से हमारा जो सीपीयू की यूटिलाइजेशन है वो हमारे पास क्या हो गई है, वो हमारे पास कम हो गई है। इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास क्या कहलाता है, थ्रेशिंग कहलाता है। तो थ्रेशिंग को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है, ये कॉन्सेप्ट आपके पास ये है कि जैसे जैसे आपके पास डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़े तो सीपीयू की यूटिलाइजेशन अगर कम हो जाए तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं थ्रेशिंग। अ प्रोसेस इज थ्रेशिंग इफ इट इज स्पेंडिंग मोर टाइम पेजिंग, तो अगर हमारा प्रोसेसर जो है वो पेजिंग में ज्यादा वक्त गुजार रहा है, मतलब कोई स्वैपिंग वगैरह करने में ज्यादा वक्त गुजार रहा है एग्जीक्यूटिंग की निस्बत, तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। ठीक है, काफी अहम कॉन्सेप्ट है ये, आपने जो है वो माइंड में रखना है। ये वाली अगर आप इमेज देखें तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपके पास इस तरफ जो है ये सीपीयू यूटिलाइजेशन दी हुई है। ठीक है, तो हमारी सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है वो बढ़ रही थी जैसे जैसे हमारे पास डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो ज्यादा हो रही है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट जो है वो हमारे पास आ गया कि जहाँ पे हमारे पास डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को ज्यादा करने के चक्कर में हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास जो है वो पेजिंग जो है वो ज्यादा होनी शुरू हो गई, स्वैप इन स्वैप आउट जो हमारे पास ज्यादा होना शुरू हो गया, तो हमारा सीपीयू की परफॉर्मेंस जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे आके नीचे हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आगे जो है हमारे पास क्या चल पड़ी है, अब थ्रेशिंग चल पड़ी है कि हमारा सीपीयू जो है वो क्या करने में लग गया है, वो प्रोसेसेस को स्वैप इन स्वैप आउट करने में लग गया और उनको एग्जीक्यूट करने में उतना टाइम नहीं दे रहा जितना स्वैप इन स्वैप आउट करने में दे रहा था। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, थ्रेशिंग कहलाता है। तो आज ये हमारा आखिरी टॉपिक था।